भारत में बच्चों को पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, ये बात हम नहीं बल्कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स बता रहा है। 117 देशों के लिए जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग गिरकर 102वें पायदान पर पहुंच गई है, जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार की स्थिति हमसे बेहतर है। साल 2010 में भारत 95वें स्थान पर था, जो अब गिरकर 102वें स्थान पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में कुल 117 देश ही शामिल हैं, यानी भारत से खराब स्थिति यमन और जिबूती जैसे 15 देशों की है, जबकि पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान 94वें स्थान पर है, इसके अलावा नेपाल 73वें, म्यांमार 69वें, श्रीलंका 66वें और बांग्लादेश 88वें स्थान पर है, जबकि चीन इस सूची में 25वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब उन देशों से है जहां बच्चे पेट भर खाना नहीं खा पा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और GHI में उसका स्थान दक्षिण एशिया के देशों से भी नीचे है। GHI में कहा गया कि भारत में 6 से 23 महीने के बीच के उम्र के महज 9.6% बच्चों को ही न्यूनतम स्वीकार्य आहार दिया जाता है। रिपोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साल 2016-18 के बीच कराए गए एक सर्वे के आधार पर बताया कि भारत में 35% बच्चे छोटे कद के हैं, जबकि 17% बच्चे कमजोर पाए गए हैं। इस महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण यानी CNNS ने देश भर में 19 साल तक के 1,12,000 बच्चों का आकलन किया था, जिसमें पाया गया कि कुपोषण में कमी के उपायों में प्रगति हुई है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के मुताबिक साल 2016-18 में CNNS के आंकड़ों और GHI के आंकड़ों की तुलना करें तो भारत में बाल कुपोषण का स्तर कम है। यहां पर ये भी बता दें कि साल 2000 में 113 देशों की सूची जारी की गई थी, जिसमें भारत का स्थान 83वां था।